हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स विद इल्मा। खुशामदीद, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है फादर्स डे, मतलब हमारे लिए तो हर रोज़ फादर्स डे की तरह ही है क्योंकि हमारा हर दिन पापा के लिए है, लेकिन आज है तो सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने और सना ने डिसाइड किया क्यों ना हम कुछ ना कुछ अच्छा सा बनाएं पापा के लिए और उनको खिलाएं, मतलब कुछ नया। ठीक है, तो देखते हैं अभी हम क्या बनाते हैं। अभी हमने मोहम्मद मुनी को कुछ लेने तो भेजा है, मतलब सामान थोड़ा सा, अब वो आता है, देखते हैं हमारी जो हमने रेसिपी निकाली है वो बन पाती है या नहीं। आपको अपडेट मिलती रहेगी। चलिए फिर। बरकत, क्या हुआ? पानी भी दिया था बाबू तुम्हें, बाबू तुमने पानी ही नहीं पिया था। उदास क्यों? ये उदास नहीं लग रही है तुम्हें? नहीं तो क्या हो गया? क्या लड़ाई हो गई है? क्या क्या हो गया बेटी को? वो खाना भी नहीं खा रही है जो दिया था। नींद आ रही है तो सो जाओ। बिल्ली बैठी हुई है। दादी हैं? दादी? हाँ दादी हैं ये। दादी को अंदर आने दो। अरे कैसी बात कर रही हो? दादी हैं, दादी अंदर आने दो। दादी को आने दे, आने दो दादी को, आने दो। अरे नहीं, दादी हैं ये, डरो मत। दादी हैं, दादी को अंदर आने दो। हाँ दादी है ये, कर रही है। अरे बाबू दादी है, ऐसी कर रही, चल जी ऊपर देख रही। और मैं कह रही क्यों कर रही? अभी जो बैठी है बिल्कुल लंबा बन के क्यों बैठी है? रास्ता घेर के बैठी है। दादी को अंदर नहीं आने दोगी? दादी को अंदर नहीं आने दोगी? अंदर आने दो दादी को। इधर हट, इधर हट। हाँ वेरी गुड, नहीं बैठ रही, नहीं बैठ जाओ। अच्छा अब जा रही हो नीचे? नहीं जा नहीं रही, आ जाएगी। हाँ दादी है ये, दादी है। बहन बहुत अच्छी लग रही है, बातें तो कर रही है। बेटी इधर आओ। तो मोहम्मद मुनीर सामान ले आया, मैं अभी किचन में आई तो मैंने देखा हमारे यहाँ बन रहा था बाकला, मतलब बाकले की फली, तो वो चाची रख के भूल गई, वो थोड़ी सी जल गई। तो अभी चाची रोटी बना रही हैं, तो इसलिए जब तक चाची रोटी बनाती हैं हम लोग पहले असर की नमाज़ पढ़ देते हैं, उसके बाद हम अपना मतलब जो हमने बनाने का सोचा है, हम एक केक बनाने की सोच रहे हैं, तो देखते हैं कैसा बनता है वो आज। चाची क्या हुआ, बाकला जल गई? थोड़ी सी जल गई। अभी यहाँ पर रोटी डल रही हैं और ये रही हमारी बाकला जो जल चुकी है। अभी इसको उठाऊंगी नहीं क्योंकि पहले ही जल चुकी है, तो अभी पानी लगा के इसको थोड़ा और गलाना है मतलब। तो हम लोग बना रहे हैं केक, तो अब हम लोगों ने सोचा है कि एक अच्छा सा केक बनाए, तो हमने मैंगो का केक सोचा है। मैंगो केक बना रहे हैं आज घर पे, तो हमने अभी तैयारी करना शुरू कर दिया है। कितनी देर लगती है देखते हैं, और देखिए हमने क्या क्या अभी तैयारी कर ली है, अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमने यहाँ पर 4 मैंगोज़ लिए हैं, इसको हमने पील ऑफ कर लिया है। अब इसको जहाँ तक है पीसना है ना। चलिए हम इसको कट कर लेते हैं फटाफट से, और उसके बाद बाकी की तैयारी दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स पता है अभी क्या हुआ यहाँ पर? जो हमारी बिल्ली थी यानी कि हमारी बरकत, तो वो सुबह से हमारे पास ही है, मतलब बहुत टाइम से बैठी हुई है, हमने आपको दिखाया भी था, और वो अभी तक बैठी हुई है। और अम्मी ने सोचा हो सकता है इसको गर्मी लग रही है इसलिए ये बोले पड़ी है बार बार, तो अम्मी ने उसे उठाकर लेकर आई नहलाने के लिए। वो पानी देके ऐसे ही डरी कि सबके ऊपर से छलांग मारते हुए भाग गई, और अभी तो वो चली गई लेकिन आ जाएगी इंशाल्लाह वो फिर से। खा रही है खाना? अच्छा तो वो भागी नहीं है, वो खाना खा रही है अभी। ये देखिए पापा जी भी आ गए। कहाँ है पापा जी? वो खाना खा रही है। मोबाइल लाओ, मैं टॉर्च लाऊं। हाँ ये रही देखिए हमारी बरकत, ये भागी नहीं थी, खाना खाने बैठ गई पर ये नहा ही नहीं। अम्मी ने सोचा मैं इसे नहला दूं। देखिए हमारे पास केक के लिए, केक बेकिंग करने के लिए ये वाला मोल्ड है, और यहाँ पे हमने मैदा ले लिए, और ये मिर्चें केक में बिल्कुल नहीं डालनी है। और यहाँ पे सना डाल रही है मैंगो, मतलब मैंगो को पीसना है यहाँ पे हमें बिल्कुल अच्छे से।
प्यूरी बनानी है एक तरीके से, है ना। चीनी डाली है बहन ने हमारी सना। ये है प्रोफेशनल शेफ, हमारे घर की प्रोफेशनल शेफ है हमारी सना। ये एक्सपेरिमेंट करती है तो इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में आपको साइंटिस्ट दिखेगी। और ये हमारी ऑडियंस अम्मी जी और चाची जी। हाँ, हेड शेफ। तो चलिए फिर जल्दी से तैयार कर लेते हैं इसको। ये रहा प्यूरी पेस्ट। टेक्सचर आ जाएगा, कितना अच्छा टेक्सचर है ना इसका, क्रीमी एकदम। वाओ, एकदम तैयार है। इसको अभी रेडी करना है। ये देखिए हमारा केक अभी ये तैयार है, अभी हम निकाल नहीं सकते क्योंकि ये बहुत गर्म है। तो इसको थोड़ा सा पहले ठंडा करते हैं फिर निकालेंगे। अच्छा लग रहा है ना वैसे देखने में। हमारा जो केक है वो तो रेडी हो गया है, लेकिन अभी एक और चीज़ बना रहे हैं, मतलब उसको डेकोरेट करने के लिए हमने सोचा उस पर कुछ बनाते हैं। तो हम बना रहे हैं ग्लेज, मैंगो ग्लेज। तो अभी दिखाते हैं हम कैसे बन रही है वो। ये देखिए ये बन रहा है। ये जब पकेगा फिर इसको थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा, उसके बाद हम अपने मैंगो केक पे ये लगाएंगे तो यम्मी यम्मी सा बन जाएगा फिर वो अच्छा सा। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा केक निकला है हमारा ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमने इसकी डेकोरेशन के लिए ग्लेज बनाई है। चलो भाई सना शुरू हो जाओ। इसको मैंने ऑलरेडी कट कर दिया था। हाँ, इसको हमने दो पीसेस में कट कर लिया है। बिस्मिल्लाह। वाओ माशाल्लाह सना, तुम बहुत अच्छे शेफ बन सकती हो इंशाल्लाह। अम्मी को कहना है। हाँ रख दो। वाओ माशाल्लाह फ्रेंड्स, ये देखिए केक माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है ना। पूरा का पूरा क्रेडिट मैं सना को देती हूँ क्योंकि पूरी मेहनत इसकी है, मैंने बस शूट करा है। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा केक बनाया है। चलो अब इसको फ्रिज में रखें। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी केक रख दिया है फ्रिज में, और हमने सोचा जब तक केक हो रहा है हम अपनी ईशा की नमाज़ अदा कर देते हैं। तो हमने अब नमाज पढ़ ली है, अब चलिए केक निकाल देते हैं फ्रिज में से। चल कोई बात नहीं है, बड़ा मुलाम है, धो लूं हाथ, बुरा हो गया। तो नानी ने ये काम खराब कर दिया। मुझे क्या पता समझ रहे हो। तो फ्रेंड्स जैसे ही कहते हैं कि अच्छी चीज की नजर उतरना जरूरी होता है, तो वैसे ही हमारी केक की भी नजर उतर गई है, उस पे हाथ लग गया। पर कोई बात नहीं, गलती से हुआ था वो भी, तो बस उसकी नज़र उतर गई। अब टेस्ट तो वैसे ही रहेगा वैसे भी उसका। मोहम्मद मुनीर क्या हो गया आपको? फीवर हो गया। अरे मैं बच जाओ। अरे अल्लाह बहुत तेज हो रहा है। दवाई खाई आपने? नहीं खाई, दोपहर नहीं खाई थी इसलिए हो गया। तो चलो आप खा लो, अच्छे बच्चों की तरह उठो, जल्दी से उठो। आने दो दवाई। बहुत तेज फीवर हो रहा है आपको, तो चलो जल्दी से मेडिसिन ले लो फिर सही हो जाओगे। ओके बोलो। ओके ओके। ऊपर जी को भी बुलाया था कॉल करके दोपहर में, लेकिन उनका कंफर्म नहीं था, लेकिन अभी वो आ गए तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो चलिए दोनों को केक दिखाते हैं, क्योंकि अभी फूफा जी को तो बिल्कुल ही नहीं पता है, पापा जी को पता चल गया था कि हम केक बना रहे हैं, पर दिखाया नहीं है, पर पापा को दिखाया नहीं है। हाँ पापा ने नहीं देखा है अभी। तो चले केक बनाया है। कैसा लगा
हम निकाल के दिखा रहे हैं, नानी ने इस पे ऐसे कर हाथ रख दिया, तो इसकी नजर उतर गई, कोई दिक्कत नहीं है। ओह माय गॉड, अरे केक रहा है कितना है, बोलो बोलो। सच में ये बहुत स्वीट है, आज हम बहुत मस्त बना रहे हैं। किसका पार्लर नहीं है, मैंगो है, बिस्किट ही नहीं है, बिस्किट नहीं है, मैंगो है। We miss you, Mamu. हम भी खिलाएंगे क्या? क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये केक है एगलेस। एगलेस का मतलब होता है बिना अंडे का। मैं आपको हर एक इंग्लिश अल्फाज हिंदी में कन्वर्ट करके, सॉरी रूपांतरित करके बताता रहूंगा। माशाल्लाह, क्या बात है, लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा बना हुआ है। माँ तो हाथों की खुशबू से बचा देती है कि तत्ता। आज हमारी चाची दो बार खाएंगी, तो मेरा भाई चाहता है कि मैं उसे हाथ से खिलाऊं। अच्छा, ये बहुत हाथों का प्यार चाहता है, ये लड़का हाथों का प्यार चाहता है ऐसे वाला। मुराद भाई खुश हो गए। बढ़िया, क्या बात है। इसके पीछे की कहानी है मेरे पास है। एक कहानी अगले है, ब्लॉग में बताऊंगा यार, ब्लॉग तो बनाने हैं ना। क्या हुआ बच्चे? ए बुट्टू, क्या हाल है भाई के? खाना खा लिया? बरकत खाना खाया? बरकत? बरकत नाम रखा है उसका। अरे डरो, अरे मारो नहीं, हाथ मार थोड़ी रहा। अरे ऐसे करोगे तो डर जाएगी। ऊपर आ जाओ ऊपर। अरे ला, लाइट पड़ी आंखों पे तो कैसी लग रही है। अरे चल गले पकड़ मम्मा। आ जा ऊपर, आ जा बेटा, आ जा। आराम से रहिए, आराम से। आ जा आ जा आ जा, कोई दिक्कत नहीं, आ जा। क्या बात है, क्या बात। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे पापा जी जा चुके हैं और सबको केक बहुत पसंद आया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यही था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।